हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसे ऑन एलिफेंट यानी कि हाथी के ऊपर निबंध कैसे लिखे। एक छोटा सी आर्टिकल है हाथी के ऊपर, उसको आज हम इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। एलिफेंट्स लिव इन द वेल्स। और देख लीजिए, एलिफेंट यानी हाथी, एलिफेंट्स यानी कई हाथी, एक से अधिक हाथी की बात हो रही है। लिव यानी रहना, इन द वेल्स यानी जंगल में रहते हैं। जो हाथी हैं वो जंगलों में रहते हैं। एट द बिगनिंग ऑफ द रेन्स दे कम आउट ऑफ द डेंस जंगल एंड वांडर अबाउट इन द मेडोज ईटिंग द ग्रास। यहाँ पे मीनिंग देख लीजिए, एट द बिगनिंग्स ऑफ द रेन्स यानी कि बारिश की शुरुआत में, शुरुआती बारिश में, दे कम आउट ऑफ द डेंस जंगल। डेंस जंगल यानी घना जंगल। दे कम आउट ऑफ यानी कि वो बाहर आ जाते हैं। कहाँ से बाहर आ जाते हैं? डेंस जंगल, जो घने जंगल से भी बाहर आ जाते हैं। एंड वांडर अबाउट इन द मेडोज ईटिंग द ग्रास। वांडर यानी घूमना, वांडर अबाउट यानी घूमते हैं। कहाँ घूमते हैं? मेडोज, मेडोज यानी घास के मैदान होते हैं, उनको मेडोज बोलते हैं। घास के मैदान में घूमते हैं। ईटिंग द ग्रास, और घास खाते हैं। अ हर्ड ऑफ वाइल्ड एलिफेंट्स यूजली कंसिस्ट ऑफ 30 to 50 एनिमल्स। मीनिंग देख लीजिए, हर्ड मतलब झुंड होता है। वाइल्ड एनिमल यानी जंगली, सॉरी वाइल्ड एलिफेंट्स यानी जंगली हाथी, यूजली यानी आमतौर पर, कंसिस्ट, कंसिस्ट का मतलब होता है से बना होना यानी किसी चीज़ से बना होता है। ऑफ 30 to 50 एनिमल्स यानी कि 30 से 40 जानवरों से बना होता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हाथियों का जो झुंड है वो आमतौर पर 30 से 40 जानवरों से बना होता है। जस्ट अस बेबीज होल्ड द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स। जैसे छोटा बच्चा अपने मम्मी का हाथ पकड़ता है, अपनी माता का हाथ पकड़ता है, ठीक उसी प्रकार बेबी एलिफेंट्स, जो छोटा हाथी होता है, हाथी का बच्चा होता है, होल्ड्स द टेल्स, होल्ड द टेल्स ऑफ देयर मदर्स व्हेन दे ट्रेवल। व्हेन दे ट्रेवल का मतलब होता है जब वे यात्रा करते हैं। होल्ड यानी पकड़ना। बेबी एलिफेंट्स यानी हाथी के बच्चे होते हैं, जब वे यात्रा करते हैं तो वे जो हाथी होती है, उनकी माँ होती है हथिनी, उसकी पूँछ को पकड़ते हैं और चलते हैं। एलिफेंट्स ईट ग्रास, लीव्स, विल्ड फ्रूट्स एंड बेम्बू शूट्स। मीनिंग देख लीजिए, एट ग्रास यानी घास खाते हैं, लीव्स यानी पत्तियाँ, विल्ड फ्रूट्स यानी के जंगली जो फल होते हैं वो, बैम्बू शूट्स यानी के बांस की जो पत्तियाँ होती है, जो टहनियाँ होती हैं वो। तो एलिफेंट घास खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, जंगली फूल खाते हैं और बांस की टहनियाँ खाते हैं। दे ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर। अ लॉट ऑफ यानी काफ़ी मात्रा में, बहुत मात्रा में। दे ड्रिंक यानी कि वे बहुत मात्रा में पानी पीते हैं। दे गो टू रिवर आर अ लेक एट लीस्ट ट्वाइस अ डे। मीनिंग देख लीजिए, दे गो टू अ रिवर, वे नदी में जाते हैं। आर अ लेक, लेक यानी झील, या तो नदी में जाते हैं या झील में जाते हैं। एट लीस्ट ट्वाइस अ डे यानी कि दिन में कम से कम 2 बार वे जाते हैं। दे लव हैविंग बाथ। हैविंग बाथ यानी नहाना, उन्हें नहाना अच्छा लगता है। वन इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द एलिफेंट इज दैट दे कांट रन। वन इंटरेस्टिंग थिंग यानी कि एक ही बहुत ही रोचक या दिलचस्प बात यह है कि अबाउट द एलिफेंट यानी हाथी के बारे में एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि दे कांट रन, वे दौड़ नहीं सकते हैं। दे कैन हाउ एवर वॉक फास्ट।
होवेयर यानी का मीनिंग होता है हालांकि वे वॉक फास्ट यानी कि तेजी से चल सकते हैं। देयर वॉकिंग स्पीड इज नियरली 13 किलोमीटर्स एन आवर। देयर यानी उनकी या उनके वॉकिंग स्पीड यानी कि जो चलने की गति है इज नियर बाई यानी कि करीब 13 किलोमीटर्स एन आवर यानी एक घंटे में 13 किलोमीटर की होती है। उनकी चलने की गति हाथी की जो चलने की गति होती है वो करीब करीब एक घंटे में 13 किलोमीटर की होती है या एक घंटे में 13 किलोमीटर में चल सकते हैं। अल्दो हालांकि द एलिफेंट कैन नॉट जंप हालांकि हाथी कूद नहीं सकते जंप नहीं कर सकते इट कैन स्विम वे केवल तैर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ शेयर इट सब्सक्राइब इट। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।